गड्ढे होते हैं यहाँ, गड्ढों में रोड है। पर कोई सुनने वाला नहीं है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोग घायल होते रहते हैं, शासन प्रशासन सब निकाल होते हैं। पीछे दफे जामर करा इन्होंने, आधी रोड में ठेकेदार करके चला गया, आधी रोड छोड़ गया। थोड़ा बहुत मलबा डाल देते हैं, ये फिर वैसे हो जाते हैं, बारिश आती है सब बह जाता है। पैगाम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आसिम जॉर्डन। और इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं ये तिकोनिया चौराहा है जो यहां से ऊपर काठगोदाम की जानिब निकल जाता है और इस रास्ते से हम बरेली रोड निकल जाते हैं और इधर जो रास्ता जा रहा है वो स्टेशन की रोड की तरफ जाता है। हल्द्वानी को यूँ अक्सर कहा जाता है कि खूबसूरत शहर है, आर्थिक मंडी है यह हल्द्वानी और कुमाऊँ का प्रवेश द्वार भी है हल्द्वानी। हल्द्वानी को लेकर हमें अपना आप में गुरूर सा है, लेकिन ये गुरूर शायद अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि हल्द्वानी की जो एक जो ट्रांसपोर्ट का जो एक मेन बेस होता है सड़क, हल्द्वानी की सड़कों पर अब गड्ढे नज़र आने लगे हैं। अभी कल ही के अखबार में एक खबर पड़ी कि हल्द्वानी में तिकोनिया से लेकर शीश महल तक करीब 54 गड्ढे हैं। तो 54 गड्ढे तो हमने गिने नहीं, लेकिन अभी हम वीडियो बनाएंगे तो आगे देखेंगे कितने गड्ढे हैं। फिलहाल आज हम सफ़र करने वाले हैं तिकोनिया से लेकर स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तक का, क्योंकि अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता है या हल्द्वानी से कोई बाहर जाता है तो वो हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करता है और इधर जाते वक्त रोडवेज ही पड़ता है। तो इस दौरान हम जानेंगे वहाँ का हाल कि कितने गड्ढे हैं इस सड़क पर और यहाँ लोगों को क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही उनसे जानेंगे कि पिछले कितने समय से ये गड्ढे हैं और विधायक या यहाँ के नगर निगम इसके लिए क्या कार्य कर रही है, क्योंकि लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर शुरू हो चुके हैं क्योंकि बरसात के बाद यहाँ पर हल्द्वानी के अंदर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। बरसात के बाद वो गड्ढे भी दिखने लगते हैं क्योंकि गड्ढों में पानी जमता है और पानी जमा होने के बाद लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ, सीधा आपको ले चलता हूँ स्टेशन रोड पर, दिखाता हूँ वहाँ के गड्ढे और गड्ढों में क्या हाल है इस वक्त। चलिए टायर की दुकान है और उसके सामने काफ़ी गड्ढे हैं। सीधे अंकल से बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी आसपास क्षेत्र से लोग आते होंगे, किस तरह का यहाँ सामना करना पड़ता होगा लोगों को। अंकल, जैसे इस तरह से आपकी दुकान है तिकोनिया पर और यहाँ पर गड्ढे हम जैसे साफ देख पा रहे हैं, तो लोगों किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि आपके पास से पहाड़ के क्षेत्र के मैदान क्षेत्र के भी लोग आते हैं? रोड में गड्ढे होते हैं, यहाँ गड्ढों में रोड है, जबकि इससे ज़्यादा कोई और लफज कहने वाले नहीं है कि रोड की हालत ये है कि शाम को 2-4-5 तो एक्सीडेंट हो ही हो इसी जगह इतने, हाँ इतनी जगह में इतने गड्ढे हैं कि गड्ढों में रोड है बस। जिस तरह से आपको मेन तिकोनिया पर है कहा जाता है, हार्ट ऑफ द ये सिटी है हल्द्वानी का, ये एक तरह दिल है, यहाँ पर भी इस तरह के गड्ढे हैं, तो इस तरह इसको आप किस तरह से देखते हैं? तो ये इनको देखना चाहिए कॉरपोरेशन को, कॉरपोरेशन के अधीन है, कॉरपोरेशन को नज़र रखनी चाहिए रोड लोगों की सुख सुविधा की तरफ। टैक्सों की तरफ से तो इनको खिंच है कि टैक्स हमें मिलने चाहिए, तो जबकि लोगों की सहूलत की तरफ ध्यान नहीं है कि लोग बारिश में या दूसरे किस किन हालात में जी रहे हैं। अंकल, जिस तरह से आपकी टायर की दुकान है तो आप बताएंगे कि इस गड्ढों से टायर पे क्या असर पड़ता होगा? प्रभाव पड़ता, टायर खराब होते हैं, बिल्कुल जल्दी खराब होते हैं, ये तो कड़वा सच है। ये कितने समय से खराब है सड़क? काफ़ी दिनों से ये खराब चल रही, बारिशों से पहले की हालत खराब है, अब तो गड्ढों में रोड हो गई। अंकल ने काफ़ी अच्छी बात कही कि गड्ढों में रोड हो गई, ये हम
कहावत सुना करते थे या कभी हम ऐसा इसको मीम समझते थे कि सड़क में गड्ढे नहीं गड्ढे में सड़क। अंकल आपको क्या लगता है गड्ढे में सड़क है? गड्ढे में सड़क है बिल्कुल पक्का, गड्ढे में सड़क है। इसमें जो है हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे टायर बहुत घिसते हैं, टायर में कट लग जाता है, तो टायर रोड से ज़रा सही होने चाहिए क्योंकि हम लोग भी टायर डाल डालते थक जाते हैं, हम गाड़ी का ही काम करते हैं। गाड़ी की फिटनेस पर काफ़ी असर पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है जी, टायर जहाँ 25,000 चलता है 20,000-15,000 में खत्म हो जाता है, हमारा गाड़ी का ही काम। आप कहाँ रहते हैं? इधर हल्द्वानी? नैनीताल में रहता हूँ, मेरा टैक्सी का ही काम है। टैक्सी का? अगर टैक्सी काम है तो आपको ज़्यादा पता होगा जी, गाड़ी का कितना प्रभाव असर पड़ता है गाड़ी को? बहुत फर्क पड़ता है जी, गड्ढे से कट लग जाते हैं और गड्ढे से जो है सोकर चले जाते हैं, मतलब गाड़ी के टायरों में तो बहुत ज़्यादा वो आती है। कभी कहा जाता था कि हल्द्वानी की सड़कें सबसे ज़्यादा अच्छी हैं और कहीं भी निकल जाते थे तो हम सब तरह की सड़कों को बेहतर पाते हैं, जो लिंक रोड है। हालांकि ये तो मेन रोड है यहाँ का ये हाल है, तो आइए आगे चलते हैं, लोगों जानते हैं कि आगे क्या लोगों का कहना है। टेम्पो पलट जा रहे हैं, थोड़ी ये बताएंगे बगल वाले, इनको बहुत नुकसान है, शीशे टूट गया इनका, पत्थर उछल उछल के आ रहे हैं। और ये तो एक साल हो गया, पिछले दफ़े डामर करा इन्होंने, आज ही रोड में ठेकेदार करके चला गया, आज ही रोड छोड़ गया। तो उसके बाद कोई अधिकारी? उसके बाद कोई नहीं, कोई नहीं रहा। कितने टेम्पो पलट गए इसमें खड्डों में, और ये आप पूछिए बगल में शीशे टूट गए इनके कितने। छीटें आती हैं, पानी की छीटें आती हैं, छीटें आ रही हैं, वो कपड़े ख़राब हो जा रहे हैं लोगों के, कितने टेम्पो पलट गए और बगल में इनसे और पता करिए, इनको तो बहुत ही नुकसान हो गया, उनके काउंटर का शीशा टूट गया। सी मिठाई की दुकान है, इसमें तल्ले इसलिए लगा रखे हैं सभी, गाड़ी से पत्थर निकल के आते हैं इस पर, टूट जाता है शीशा, समस्या ही समस्या है इससे, पानी भर जाता है बरसात के बाद, छीटें आते हैं, लोग गिर चुके हैं इसमें कई बार। मेरे ख्याल से सिर्फ मेरे शिकायत करने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है, पूरे शहर का यही हाल है। आप लोगों ने और जगह भी देखा होगा, पूरे शहर में यही हाल है, रेलवे स्टेशन जाने के लिए यही एक रास्ता है, शहर से जो भी बाहर जाएगा रेलवे स्टेशन जाएगा तो इसी रास्ते से जाएगा। अभी कुछ दिन पहले इसमें एक ई रिक्शा गिर गया, हम लोगों ने बहुत मुश्किल से उठाया उसको, 3-4 लोगों ने मिलके। पिछले साल भी इसमें गड्ढा था बरसात में, तो ठेकेदार आया कोई, उनने इसमें सूखा रेता डाला, ऊपर से सूखा सीमेंट डाल के गड्ढा पाट के चला गया। ये गड्ढे बहुत हो रहे हैं, बारिश आती है तो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, टुक टुक पलटती रहती है, कभी कभी तो बाइक वाले बहुत स्लिप होते हैं, स्कूटी वाले स्लिप हो जाते हैं, चोट लगती रहती है उनके। और नगर निगम से कई बार बोल दिया है लेकिन अभी तक कोई इसका रिजल्ट निकला नहीं है। ये तो थोड़ी सी बारिश होती है, वैसे भी होते रहते हैं हर साल, बहुत पुराने हैं गड्ढे, तो थोड़ा बहुत मलबा डाल देते हैं ये फिर वैसे हो जाते हैं, बारिश आती है सब बह जाता है। रोड बनी कर रही है यहाँ पर, सारे हर कहीं देखो गड्ढे गड्ढे पड़े हुए हैं, जहाँ देखो गड्ढे गड्ढे हैं सारे। किसकी जगह पर गड्ढे हैं? ये रोड है, इसके नीचे देख लो, भट्टी के पास, प्रेम टैक्स के पास देख लो, प्रेम टैक्स से ऊपर देख लो, इधर देख लो, फाटक पार देख लो, गड्ढे सब जगह गड्ढे मिलेंगे, हर कहीं गड्ढे हैं। सरकारी की लापरवाही है बस, बड़ा मंत्री आ रहे तो रोड पड़ जाती है काम चलाओ के लिए, उसके बाद वो रोड वैसी वैसी है, देखा हो गड्ढे कितने आए दिन, एक आध गिरता ही गिरता है यहाँ पर, एक आध बनता है यहाँ पर गाड़ी से इस गड्ढों में, आए दिन एक आध गिरता ही गिरता है रोड डेली। इन गड्ढों को तो बहुत टाइम हो गया, भरते नहीं आप, कोई भरने वाला भी नहीं है, परेशानी का सामना। यहाँ से बसें जाती हैं तो बहुत ही स्पीड में निकलती हैं, जब बसें निकलती हैं तो यहाँ पे सारा पानी ऊपर को छिटे आती हैं, लोग परेशान होते हैं। गड्ढों से बहुत दिक्कत होती है बरसात में सर, जब हम लोग काम करते हैं यहाँ पर तो ये छीटे गाड़ी वाले निकलते हैं स्पीड में, तो हम लोगों को ऊपर आती है छीटे सारी, गड्ढे भी नहीं भरे ये गड्ढे भी, रोड तो पड़ रहे बहुत दूर की बात है, गड्ढे ही नहीं भरे सर, कोई सुनने वाला नहीं है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोग घायल होते रहते हैं, शासन प्रशासन सब बेकार होते हैं। स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, देखिए ऊपर की सारी, एक लाइट नहीं जलती है यहाँ की, गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है, नगर निगम के अंडर में आती हैं, सब बंद हैं यहाँ, टूटन लोग स्मैक लोग घूमते रहते हैं, रात को लूटपाट करते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़ देते हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। खंभों की लाइटें भी नहीं जल रही है, सब बंद पड़ी हैं, गड्ढा आप खुद ही देखो कितना गहरा गड्ढा है, आए दिन लोग गिरते हैं, लोग यहाँ चोटिल होते रहते हैं, निगम की गाड़ियाँ जाती हैं, उनका ही हालत इतना बुरा हाल है, यहाँ से पूछो मत।